हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारे न्यू अपडेट के लिए। आज का हमारा वीडियो है सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे पता करें? बच्चे के पेट में दर्द होने के पीछे कई कारण होते हैं जिन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। पेट के दर्द के लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज किया जा सकता है। शिशु के बहुत नाजुक होने की वजह से उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ही जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। इसी वजह से उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अगर उनका खास ख्याल नहीं रखते हैं तो वो जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। शिशु के बोल ना पाने की वजह से उनकी प्रॉब्लम के बारे में आसानी से पता नहीं चल पाता है। ठीक उसी तरह जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उसके पीछे का कारण जान पाना मुश्किल होता है। मगर कुछ लक्षणों की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो आइए आपको उन लक्षणों के बारे में बताते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पे पहला लक्षण है सही तरीके से खाना ना खाना। अगर आप बच्चे के खाने के टाइम में चेंजेस देखते हैं या वो सही तरीके से खाना नहीं खा पा रहा है तो हो सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा हो। साथ ही खाते टाइम बीच में रुक जाने के पीछे का कारण भी पेट दर्द हो सकता है। दूसरा है बार बार पेट पर हाथ मलना। अगर आपका बच्चा खाने के बाद पेट पर हाथ मलता है और रोते हुए ऐसे अपने दर्द को जाहिर करता है तो ये उसके पेट में दर्द होने का एक लक्षण होता है। तीसरा है दर्द बताने के लिए पैर मोड़ना। बच्चे को फीड कराने के बाद या उस दौरान आपका बच्चा बार बार अपने पैरों को मोड़ता है तो ये पेट में दर्द के संकेत होते हैं। बाद में है सामान्य से ज़्यादा रोना। बच्चे के रोने का मतलब ये होता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा रोने लगता है तो ये पेट में दर्द के साइन होते हैं। लास्ट में है उल्टी करना। बच्चे को फीड कराने के कुछ समय बाद या कुछ खाते ही अगर वो उल्टी कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो खाना पचा नहीं पा रहा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे के पेट में दर्द के लक्षणों को पहचान कर आप उनका इलाज घर पर ही कुछ तरीकों की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।